समाज पार्टी के कद्दावर नेता रहे गुड्डू जमाली और शाह आलम ने लोकसभा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, जिसके चलते उन्हें आखिर में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन अभी आपको बता दें कि बीएसपी अध्यक्ष सुप्रीमो मायावती जी की जो लखनऊ में बैठक चल रही है, उस बैठक में गुड्डू जमाली ने बहुजन समाज पार्टी में वापसी कर ली है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। गुड्डू जमाली और शाह आलम ने बहुजन समाज पार्टी में वापसी कर ली है। बीएसपी से विधायक बने थे, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ जाने की कोशिश की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इन्हें शामिल नहीं किया। और उसके बाद आपको बता दें कि इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से चुनाव लड़ा था, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे। इसके बाद उन्होंने फिर से बहुजन समाज पार्टी ने बसपा में घर वापसी कर ली है। हार की वजह ढूंढने के लिए आज बसपा की बैठक जारी है और इस बैठक में गुड्डू जमाली की बहुजन समाज पार्टी में फिर से वापसी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बताएं।